पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ पर की जाने वाली सभी नई खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। चलिए अब जानते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है जो 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। 1955 में प्राकृतिक अभयारण्य घोषित होने से पहले यह स्थान अलवर के महाराजा की शिकारगाह हुआ करता था। इसे वर्ष 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ झाड़ियाँ, कांटेदार शुष्क जंगल, घास, पहाड़ी चट्टाने और अर्ध पर्णपाती लकड़ी पाई जाती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और कांटेदार वनस्पतियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अभयारण्य का लगभग 90% क्षेत्र ढोक वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ पाई जाने वाली अन्य वनस्पति प्रजातियों में सालार, कदया, गोल, बीर, बरगद, गुगल, बांस, कैर, अदुस्ता आदि शामिल है। बाघ के अलावा इस रिजर्व में तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, 4 सिंग वाले मृग, जंगली सुअर, रीसस मकाक, लंगूर, लकड़बग्घा और जंगली बिल्लियां जैसे कई अन्य जंगली जानवर पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है और यह विश्व के भी प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है तथा इसके दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने में मदद करती है। यह बाना, लूनी, साखी एवं साबरमती जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। सरिस्का टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है जो 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। दो, 1955 में प्राकृतिक अभयारण्य घोषित होने से पहले यह स्थान अलवर के महाराजा की शिकारगाह हुआ करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।